हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लैटरल सर्जरी के 6 वीक बाद क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो बता रहे हैं। तो लैटरल सर्जरी के दौरान शुरू में 6 वीक आपको हाथ को पट्टे में रखना पड़ता है। जैसे कि मेरा मान लीजिए राइट शोल्डर का अगर लैटरल सर्जरी हुआ है तो ये पट्टा मैं 6 वीक बाद छोड़ दूंगा। उसके बाद एक तो आपको ग्रिपिंग एक्सरसाइज करनी, मुट्ठी में कोई स्माइली बॉल ले सकते हैं या फिर कोई नीला कपड़ा लेके उसको निचोड़ना है छोड़ना है, इससे ग्रिप की एक्सरसाइज करनी है। ऐसा दिन में 50 से 60 बार करनी है। उसके बाद आपको एल्बो की एक्सरसाइज करनी है, जैसे हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं वैसे दिन में 100-200 बार जब भी टाइम मिलता है बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेना है और धीरे 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 उल्टे हाथ के सपोर्ट से हाथ को उठाना है। इसमें सीधे हाथ की ताकत नहीं लगानी है, जिस हाथ का ऑपरेशन हुआ है उसकी ताकत लगाए बिना दूसरे हाथ की ताकत से हाथ को धीरे 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 जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ले जाना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में पूरा जो हाथ है वो हमारा ऊपर तक चला जाए। इसके बाद एक साइड में झुक जाना है और हाथ से धीरे 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 एक गोला बनाना है। रोज़ कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा गोला बनाना है, पूरा सर्किल जो है वो आपको हाथ से बनाना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 20 से 30 बार। आपके आसपास कोई दीवार है तो दीवार पे धीरे 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 हाथ को सपोर्ट करके हाथ को ऊपर उठाना है। जितना ज़्यादा आप हाथ को ऊपर उठा सकते हैं इस प्रकार से दीवार का सपोर्ट करके आपको हाथ को उठाना है। तो दोस्तों आप 3 एक्सरसाइज समझ गए, एक एक्सरसाइज जिसमें कि आपको हाथ को ऊपर उठाना है, दूसरी एक्सरसाइज जिसमें गोला बनाना है और तीसरी में दीवार का सपोर्ट लेके धीरे 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 हाथ को ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज आपको आने वाले 1.5 महीने तक करनी है। थैंक यू।